Hey guys, welcome back to my channel Career Tips, where we talk about career related tips and tricks. और हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड भी होने वाला है हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. गाइस, मेरे वीडियोस मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे. गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जॉब ओरिएंटेड टॉप 10 कोर्सेज के बारे में, जिन्हें 12th कंप्लीट करने के बाद, 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट करने के बाद आप उन कोर्सेज में से कोई एक चूज कर सकते हैं. तो जो स्टूडेंट्स 12th आर्ट स्ट्रीम से कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स 12th अपनी कंप्लीट कर चुके हैं आर्ट स्ट्रीम से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है. इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें. तो करते हैं शुरुआत अपने टॉप 10 कोर्सेज की, अपने कोर्स नंबर 1 से, जिसको हम ट्रेडिशनल कोर्स भी कहते हैं. लगभग सभी इस कोर्स के बारे में जानते हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की, जो 3 इयर्स का कोर्स होता है. सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये होती है कि आपके पास इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन होता है. आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी एंड मैनी मोर. तो बीए का ये एक ऑप्शन है आपके पास जब आप 12th आर्ट्स स्ट्रीम से कंप्लीट कर ले. तो इस कोर्स की एडवांटेज ये भी है कि ये पूरी तरह से बैचलर डिग्री प्रोग्राम है. बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो. तो जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर ले तो बहुत सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्रेजुएट प्रोग्राम है. एक और एडवांटेज है इस कोर्स की कि ये आप अपने गाँव, शहर, टाउन से भी कर सकते हैं. इस कोर्स को करने के लिए आपको कहीं बाहर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है. कोर्स नंबर 2 इज BFA. BFA stand for Bachelor in Fine Arts. Bachelor in Fine Arts BA से थोड़ा सा अलग होता है. इसमें आप आर्ट्स की विजुअल फॉर्म की स्टडीज करते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आपका डांसिंग, म्यूजिक या पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो 12th आप अपनी आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट करने के बाद BFA के लिए अप्लाई कर सकते हो. आप इस कोर्स को कर सकते हैं. इस कोर्स की ड्यूरेशन भी 3 इयर्स की होती है. तीसरा कोर्स है गाइस BBA. BBA स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कोर्स सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने 12th कॉमर्स से कंप्लीट किया हो. तो मैं बता दूं, BBA आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट करने के बाद कर सकते हैं. तो जो स्टूडेंट अपना करियर, अपना फ्यूचर मैनेजमेंट या बिजनेस वर्ल्ड में देखना चाहते हैं, तो ये कोर्स वो कर सकते हैं. ये कोर्स भी 3 साल का होता है. BBA कंप्लीट करने के बाद आप MBA भी कर सकते हैं और आप अपना फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउस या बिजनेस फर्म में बना सकते हैं. तो 12th आर्ट से कंप्लीट करने के बाद BBA का आपके पास ऑप्शन रहता है. कोर्स नंबर 4 इज फैशन डिजाइनिंग. जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव हैं, ड्राइंग स्किल्स अच्छी है, फैशन एंड फैब्रिक के बारे में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना फ्यूचर, अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं. इसमें आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और आप इसमें खुद का बिजनेस यानी कि खुद का बुटीक भी खोल सकते हैं. इसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, डिग्री एंड डिप्लोमा. तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं एंड डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं. तो 12th अपना आर्ट से कम्प्लीट करने के बाद आपके पास फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है. कोर्स नंबर 5 इज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. दिस वन इज अ जॉब ओरिएंटेड एंड इन डिमांड कोर्स. बहुत डिमांड है इस कोर्स की, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं. इन दिनों मीडिया सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. बहुत सारी मीडिया कंपनीज है, बहुत सारे मीडिया ब्रांड है. टीवी, न्यूज एंड प्रिंट मीडिया के अलावा इसके साथ साथ ऑनलाइन मीडिया में भी काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. तो आर्ट स्ट्रीम से 12th कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन यानी कि जर्नलिज्म का कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देयर आर मेनी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफरिंग दिस कोर्स. इसमें भी आपके पास डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स के ऑप्शंस हैं. मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं वो है प्रिंट मीडिया, एडिटिंग, रिपोर्टिंग, मीडिया एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये सब्जेक्ट हैं जो इस कोर्स के दौरान आपको पढ़ाए जाते हैं. कोर्स नंबर 6 इज होटल मैनेजमेंट. जो स्टूडेंट अपना करियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, तो होटल मैनेजमेंट जो कि एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो आप इसको 12th के बाद चूज कर सकते हैं. कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है. साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन है डिप्लोमा का, तो आप डिप्लोमा कोर्स भी इसमें कर सकते हैं जो कि 1 से 2 साल का होता है. सब्जेक्ट की बात करें तो आप इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, फूड प्रोडक्शन, पब्लिक रिलेशंस, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है. तो 12th आर्ट स्ट्रीम से कम्प्लीट करने के बाद होटल मैनेजमेंट का ये ऑप्शन आपके पास रहता है. आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं.
कोर्स नंबर 7 इज एविएशन कोर्स। जो स्टूडेंट अपना करियर एयरलाइन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, जिन्हें हम कैबिन क्रू ए होस्टेस भी कहते हैं, तो 12th आर्ट से कंप्लीट करने के बाद आप एविएशन कोर्स कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 से 2 साल की होती है। इस कोर्स में आपको सिखाया या पढ़ाया जाता है हाउ टू वर्क एज एक्सपर्ट क्रू मेंबर, जो कि पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। तो इस कोर्स को करने के बाद जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। सो 12th कंप्लीट करने के बाद आर्ट स्ट्रीम से एविएशन कोर्स का एक आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन रहता है, आप इसको एक ऑप्शन बना सकते हैं 12th कंप्लीट करने के बाद। नंबर 8 इज एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स। 12th कंप्लीट करने के बाद आर्ट स्ट्रीम से इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पढ़ाया जाता है मल्टीमीडिया टेक्निक्स के बारे में। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। हॉलीवुड या बॉलीवुड की जो हमारी एनिमेटेड मूवीज है, वो आपके पास एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो अगर आप इन मैजिकल टेक्निक्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि 12th आर्ट से कंप्लीट होने के बाद आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोर्स नंबर 9 इज इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। गाइस, अगर आप फ्यूचर में अपने आप को लॉयर या एडवोकेट के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपके पास 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट करने के बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स को हम BA LLB भी कहते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 5 ईयर्स की होती है। नंबर 10 इज इवेंट मैनेजमेंट। 12th अगर आपने कंप्लीट अपना आर्ट स्ट्रीम से कर लिया है, या 12th अभी आप कर रहे हैं आर्ट स्ट्रीम से, तो फ्यूचर में आप अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट में। इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आप इसमें खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, आप इसमें डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है 12th स्टैंडर्ड आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट करने के बाद। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।